आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था, यहाँ तक अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज उसके आगे पढ़ते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो खासकर जो आपका सीटेट है उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, बच्चे एक खुले माहौल में अपने बात बेझिझक कहते हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं खुले माहौल में अपनी बातें बेझिझक कह जाते हैं, इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद है। हांगकांग जानते ही होंगे आप, परिचित भी होंगे। हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद है। वहाँ के लोग लिंग हु फेन खाते हैं। वे क्या कहते हैं? लिंग हु फेन खाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ के लोग सांप खाते हैं। तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं, क्योंकि ये कक्षा 3 के एनसीईआरटी में आपके दी गई है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? लिंग हु फेन खाते हैं। ठीक। कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनती है। कश्मीर में क्या होता है? सरसों के तेल से मछली बनती है। गोवा में नारियल तेल से। देखिए कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनती है, गोवा में नारियल तेल से मछली बनती है। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की है और ख़ासकर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको बार बार कहेंगे कि आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। केरल में नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओवा मिल जाए तो खाने बहुत मज़ा आता है। तो पूछा जाता है केरल में नारियल डली हुई करी को क्या कहते हैं, उसमें क्या उबला हुआ मिल जाता है? टेपिओवा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिन्हें स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, देखते हैं। मेरी बहन सुन नहीं सकती इस कविता को जीन वाइट हाउस पीटसन। कविता की कुछ अंश को अरविंद गुप्त ने की, ध्यान दीजिएगा। मेरी बहन सुन नहीं सकती इस कविता, ये कहाँ पे है? एनसीईआरटी कक्षा 3 में, जो आपके सिलेबस में है। कविता को कौन? जीन वाइट हाउस पीटसन। कविता के कुछ अंश को कौन की? अरविंद गुप्ता ने लिया है या किया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती, जैसा कि आप जानते हैं। बच्चों के अपने अनुभव को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशील बढ़ाई जा सकती है। मैंने देखिए हर व्यक्ति क्या होता है, अपने अपने में उनके अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उनको संवेदनशील बना सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, ये ज़रूरी है आपके लिए। बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। अगर बच्चे पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को पढ़ाई के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने में मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम भी न जानते हों। एक कविता से अगर कविता पढ़ाई जाए, यहाँ देखिए पढ़ाई के लिए बच्चों के पक्षियों गुण पता होने मदद मिलेगी, चाहे उसके नाम जानते हो या ना। इसलिए बच्चों को क्या हो, पक्षियों के बाहर अगर दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं बालक उससे परिचित होंगे, तो देखने के बाद उनके अंदर उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी इकट्ठी होगी और कुछ ना कुछ बालक बता पाएंगे। ऐसा देखिए सीटेट में पूछा जा चुका है प्रश्न, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, क्योंकि जल्दी ही हम आपको पेपर भी सॉल्व कराएंगे। आगे देखते हैं। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें, ठीक, तथा अपने अवलोकन को नोट करना भी सीखें, तथा क्या करें, उनके अवलोकन को भी नोट करना सीखें। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो देखा कि बच्चों से खुले माहौल बेझिझक बात करें, इसी दूसरे लोगों को हमारी बात समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाए, ऐसा माहौल जरूरी है जहाँ संवेदनशीलता से सुनी जाए। हांगकांग देखिए हम लोगों को पढ़ा। कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनती है, गोवा में नारियल के तेल से। केरल में करीब में अगर जो नारियल डाला जाता है उसे टेपिओवा मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चे घटना समझ पाए, जो स्वयं जोड़ पाए। ठीक है, जैसे क्या करना चाहिए, जैसे हम कहानी सुनाए या कविता सुनाए तो प्रयास करना चाहिए बच्चे अपने आप को उसमें जोड़ सकें। अगर बच्चे अपने आप को जोड़ सकेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए और हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बच्चे उसमें सीखने मदद मिलेगी, उनकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और उनकी उत्सुकताएँ बढ़ेंगी। और आगे देखते हैं, सब में अलग अलग क्षमताएं होती है, देखिए वो आपके ऊपर है, बच्चों कैसे निकालेंगे, तो निखारना आपका कर्तव्य होता है। ठीक, और बच्चों को पक्षियों के बारे में वो क्या करें, वो देखेंगे तो कागज़ पर आसानी पहचान, पिछले बच्चों को पक्षियाँ देखें, उनके बारे में बताएं, कविता पढ़कर सुनाई जाए जैसे बच्चों उनका गुण पता लगे और उनके नाम भी जान सकें। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं। बादल आए कविता हरीश निगम चकमक एकलव से लिया गया। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर आप देखिए बादल आए कविता हरीश निगम चकमक एकलव से
से लिया गया है। ठीक, बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभाव या अच्छे या बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा की जा सकती है। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति से भी जानकारी के स्रोत ले सकते हैं। ठीक, देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। बादल कविता हरे चकमक एकलव्य से लिया गया है। बच्चे बारिश जुड़े अनुभव को सुने, बारिश होने वाले प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। घर के लोगों से बातचीत कर बच्चे अपनी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति की जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव रुचि ले सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन पर्यावरण पड़ने वाले प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक, बच्चे मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ों को बना सकते हैं। रेलगाड़ी कविता किसकी? हरेंद्र चट्टोपाध्याय की कविता से लिया गया है। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में किताबों में फिल्मों आदि में देखा होगा। यह सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकती है। देखिए, जो भी बच्चे ने कभी न कभी वाहन देखे होंगे, उनके बारे में, उनका नाम सुनेंगे, उनसे अगर चर्चा करेंगे तो बालक उनके बारे में बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहाँ गए हम लोग? बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित बच्चों को वाहन और बदलाव समझने में सहायता मिलेगी। देखिए, बड़ों से प्राप्त जानकारी पे आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव समझने में, मतलब पहले कैसे वाहन थे, अब कैसे हैं, कैसे परिवर्तन हुए, इन सभी को बच्चों को समझने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और सभी के, देखिए तब के वाहन कैसे थे, अब के वाहन कैसे, इसलिए किताब में बार बार कहा गया है कि बुजुर्गों से, नाना नानी से, दादा दादी से बार बार पूछे कि उनके समय में कैसे वाहन चलते थे, ताकि बच्चे अंतर स्पष्ट करें तब कैसे थे, अब कैसे हैं, तब क्या दिक्कतें आ रही थी, अब क्या दिक्कतें आ रही, कैसे जरूरतें थी। तो बालक क्या होगा, वह तब और अब समय के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। तो उनके अंदर क्या होगा, चित्र अनुमोशन का भी कौशल विकसित होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बातचीत के दौरान संदेश मिलना आवश्यक है। सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनको कारणों पर चर्चा करना चाहिए। जैसे अगर अब बातचीत दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए काम में लिंग विषमता दिखाई दे तो उसके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। ठीक है, जरूरी, ताकि जैसे अगर बताएं कि ये काम लड़के कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती, अगर जहाँ भी लिंग विषमता दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों से चर्चा जरूर करनी चाहिए। देखिए, इस तरह के सीटेट प्रश्न आते हैं, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि सर इस तरह से पढ़ा रहे, पता नहीं कैसे प्रश्न आएंगे। आप पिछले प्रीवियस ईयर का जब पेपर देखेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी अपने आप कि कैसे पेपर आते हैं। कहानियों से बच्चे रुचि लेते हैं, तब कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है और जो उसकी स्क्रिप्ट होती है उसको मिलाकर हम ब्रेल लिपि कहते हैं। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए आप एक अध्यापक हैं तो बच्चों को प्रयास करिए कि उन्हें ब्रेल लिपि खुद दिखाइए। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा होगा। जैसा कि जस्ट मैंने ऊपर बताया, रूढ़िबद्ध धारणाओं में जैसे लड़का लड़की से भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उस पर सवाल तो कर सकें लेकिन वे किसी भावना को ठेस ना पहुँचे। जैसे आप उनसे लिंग विषमता आदि में प्रश्न तो पूछ सकते हैं और प्रयास करिए वही प्रश्न पूछे, लेकिन उनके अंदर हीन भावना का जन्म ना होने पाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान और उसका उपयोग पारंपरिक ज्ञान परख और समझ का मौका देगा। देखिए, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में जो प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान, उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ को मौका देगा। यहाँ से भी सीटेट प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन देखिए प्रश्न थोड़ा पूछा अलग जाता है। इससे अगर ये चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट आगे क्लियर है तो जब सीटेट प्रश्न आएंगे तब आसानी से कर जाएगी। भी हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न सीटेट
सीटेड में पूछे गए हैं, कुछ पौधों के भाग से हमारे भोजन का हिस्सा का जानकारी प्राप्त होता है। आओ बनाए बर्तन कहानी को अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी से लिया गया है। आओ बनाए बर्तन कहानी को अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी रचित कहानी से लिया गया है। ठीक, नाटक करने से बच्चों को बहुत मज़ा आता है। देखिए, जब बच्चे नाटक करते हैं तो उनको बहुत ही मज़ा आता है, वो इसके इच्छुक होते हैं, वो चाहते हैं कि नाटक करें। आपने देखा होगा जो भी शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं वो हमेशा खेल करने पे, नाटक करने पे बल दिया जाता है। आगे हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, यदि बच्चों को पेड़ के विषय में समझाना है तो बालों को पेड़ बना दीजिए, ठीक, और उनसे कह दिए अपने अपने बारे में बताएं, तो बालक क्या करेंगे, नाटक करके वह उस पेड़ के बारे में जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे। फिर हम लोगों ने देखा कुछ देर पहले जानवरों के चित्र को दिखाकर बालकों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, इन बातों को भी हम लोगों ने क्या किया था, देख लिया था, ठीक है, और क्रिया कर समझने में भी सहायता मिलेगी। चलो और आगे पढ़ते हम लोग। आते हैं, देखते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते समय कुछ कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करने सीखना मत। अब देखिए, अगर बच्चों से कह दिया जाए कि मिट्टी के बर्तन बनाए बच्चे, तो बच्चे जब मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो कपड़े तो गंदे होंगे, लेकिन करके सीखेंगे, ठीक है। जैसे आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खेल, खेल में चौखट का निर्माण किया जाता है जिसे स्टापू कहा जाता है, ठीक है। ये खेल आप लोगों ने भी खेला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खेल, खेल में चौखट का निर्माण किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, स्टापू कहा, स्टापू कहते हैं, ठीक। एक टिप्पी गेम होता है, इसे आप कहते हैं हप्पूती थी। देखिए हम आपको बताएं किस तरह से बना होता है वो, अगर हम देखें तो वो इस तरह से बनाया जाता है, सॉरी भी, तो वो इस तरह से बना जाता है ये, ठीक। इसे नौ खाने होते हैं उसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टापू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टापू कहा जाता है। इसे पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू में पिंटू अष्टाचंगा पे आदि ने खेलों के इस्तेमाल की गई है। चीज़ जैसे ठिप्पी के नाम, ठिप्पी जानते होंगे अपने, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े किस तरह से बना के खेला जाता है तो उसे ठिप्पी कहते हैं। बच्चों इसके स्थानीय नाम, आप बच्चों से पूछे इसके स्थानीय नाम क्या होते हैं, तो इससे बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। तालिका भरने, बच्चों को हमेशा मदद लेनी, देखिए तालिका जब भी भरा, जैसे कोई तालिका बना है अगर आपको भरना है सदैव बच्चों से मदद लेनी चाहिए। बच्चों को दूसरे की मदद करने का मौका भी दें, एक दूसरे से की सहायता से दे कर, बच्चे अगर दूसरे की सहायता करते हैं तो बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमें स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं, बच्चों खेल के बारे में ज्ञान, खिलाड़ियों के प्रति देखिए सम्मान को भी बढ़ाएं। देखिए खिलाड़ियों के बारे में बताएं उन्हें, उनके बारे में इकट्ठा करें, उनके चित्र को दिखाएं, उनके खेल के बारे में पूछें, उनका खेल संबंधित खेल पूछें, इससे जानकारी एकत्रित करके बालक क्या होंगे, अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। कक्षा में अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने से बच्चों को मज़ा आता है, उन्हें पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए बच्चों को अपने कक्षा में रह के चिट्ठी लिखना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए प्रयास करें कि बच्चे अपने कक्षा के अंदर संदेश देने के लिए क्या करें, चिट्ठी का प्रयोग करें, ठीक है, असली चिट्ठी देखकर बच्चे को और ढंग से समझ पाएंगे। पुराने ज़माने को के बारे में पता करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों से बात करें और उनके समय चिट्ठी के बारे में पूछें, या समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, प्रेरित होंगे बुजुर्ग से बात करने के लिए। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों के अन्य माध्यम से मोबाइल फ़ोन पर भी बात कर की जा सकती है, जैसे ऐसा नहीं है कि हम केवल पुराने ज़माने की चिट्ठी की बात करें, अभी के फ़ोन के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का उपयोग कर सकते हैं, इन जगहों पर परिवेश समझने बच्चों क्या होता है, मकान को समझने में मदद मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें देखिए NCF 2005 जैसे कहता है कि हमें बच्चों को करके सिखाना, तो हमें उसी में प्रेरित करना है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी पर आधारित था, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इसी क्रम में हम और आगे